नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। बता दें आपको कि विधानसभा घेरने की तैयारी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई, जिसको लेकर गर्दनी बाग में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो इन एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो हर बार जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो उस दौरान हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो बिहार विधानसभा से देखने को मिलती है, और कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला। ऐसे में बता दें आपको कि जहां एक तरफ गर्दनी बाग में इन अभ्यर्थियों की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा था, और इस बीच किस तरह से जिला प्रशासन के अधिकारी इन अभ्यर्थियों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। स्ट्राइक का है कि नहीं, दोनों आप दिखाइए, है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ से हटिए। दो ही बात है, आप अनुमति हमें दिखाइए, लीगल होगा, अनुमति नहीं होगा इलीगल होगा। दिखाइए उनकी, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, इनके पास है, उनके पास है, उनके पास नहीं चलेगा। यहाँ पर अनुमति ले के जो भी लोग हैं वो अनुमति ले के रहेंगे, दोनों तरह की। एक तो कार्यालय से लाने, आप हटिए, जब आएंगे तब आप आइए, अनुमति बैठने का और हंगर स्ट्राइक का भी अनुमति चाहिए। अगर भूख हड़ताल का अनुमति नहीं है तो वैसे जो लोग जो भूख हड़ताल में बैठे हुए उनको उठा कर एफ आई आर करके हम अस्पताल में भर्ती करा देंगे। और माइक का भी अनुमति चाहिए एसडीओ साहब का। माइक हम लोग का नहीं है, नहीं है, ठीक है, भूख हड़ताल का अनुमति है, अनुमति धरना प्रदर्शन यहाँ करते हैं, एक मिनट रुके, इसके लिए परमिशन नहीं दिया जाता, नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा परमिशन का, नहीं मिलेगा। हम अगर रोज लोकतंत्र में असहमति, लोकतंत्र में हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, पहले रुको, आप परमिशन नहीं देंगे, रुके पहले, तो तानाशाही की बात चल रही है, तुमसे ज्यादा बोलने आता है, लोकतंत्र ने आपका गुंडागर्दी है सर, गुंडागर्दी का जो है आपने यहाँ तक नहीं समझा, चाहे वो बात करवाएंगे बात, नहीं कराएंगे बात, हम गलत कर रहे हैं ना, हाँ गलत आप कर रहे हैं, हम हिंसात्मक तरीके से आंदोलन, हिंसात्मक दिखा दे, हम हिंसात्मक करने वाला काम, गलत करने वाले नहीं है, कीजिएगा हिंसात्मक, गलत करने वाले नहीं है, बोलने पर ही एफ आई आर तुरंत होगा, गलत करने वाले नहीं है। सर ने बोला, धनंजय सर बोले आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग देखिए, हम और सामने जाते हैं कि यहाँ पहले सुनो बात, अरे दूसरे को 22 दिन से सब पता है, आ नहीं रहे, बात नहीं करवा रहे, नहीं कराएंगे, पहली बात की अनुमति चाहिए, अनुमति नहीं होगा, नहीं अनुमति के लिए अमेरिका कांग्रेस से पास करना पड़ेगा, आवेदन देते नहीं देते, आवेदन तो क्या किया जाती है सर, आवेदन हम देते हैं तो क्या करें, बात भूख हड़ताल का अनुमति है कि नहीं है, सुनिए ना, एक मिनट, जो दो लोग भी इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं उन पर एफ आई आर कीजिए, हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठे हैं, जो बैठे हैं उन पर एफ आई आर कीजिए ना, नहीं उनको सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोलिए, नहीं नहीं बोलने से नहीं होगा सर, आप देखिए तो आप बोलते हैं, ये लोग बात करवाते हैं सर, क्यों करवाएंगे सर, नहीं सर हम लोग जब सुने, एक मिनट पहले सुनिए, पहले रुको एक मिनट, हम लोग की बात प्रधान सचिव, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, प्रधान सचिव फ्राइडे को जनता दरबार लगाते हैं, उस दिन आपको हमने कहा था आपके आदमी को, कोई भी आदमी जाके अपनी मांग को लेके मिल सकता है, उस दिन आपको हमने कहा था आपके आदमी को, कोई भी आदमी जाके अपनी मांग को लेके मिल सकता है, क्यों नहीं आप लोग, 22 दिन हो गया, आप लोग में से अच्छे लाल जी को प्रणाम करते रहे कि हमारी बात करवाइए, बात करवाइए, आप लोग पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, इसके पहले शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी से, वरीय से, आप लोगों की समस्या से लेकर आपकी बातों को वहाँ ले जाकर डेलीगेशन को मिलवाया जा चुका है, एक ही बात के लिए बार बार जो है शिक्षा विभाग के बड़े अफसर आपके एक ही बात को कई बार
सुनने के लिए नहीं है। एक बार नहीं तीन बार मिलवा चुके हैं, एक बार नहीं तीन टाइम हम मिलवा चुके हैं। नोटिस क्या नहीं निकलता सर, ये बात है। जी हालत है, नोटिस नहीं निकलता। वो हम लोग कितनी परेशानी में है, हम लोग इतने दिनों से भी बैठे हैं, अगर समस्या का समाधान तो होना चाहिए। पहले रुके, फंडा पहले सुनो, धरना प्रदर्शन अगर करेंगे सर, धनंजय सर बोले आप इनकी बात को भी नहीं माने। फंडामेंटल राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी रहती है, इसको भी देखिए। बिल्कुल, अगर हम गलत हैं तो हमें नल एंड वॉइड करार किया जाए, संवैधानिक करार किया जाए, तो अनुमति दिखाओ। सिटी मजिस्ट्रेट को पावर है डीएम को, नहीं दे सकता है, नहीं देगा आपको पावर, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। कल का धरना आज ही नहीं देना, जरूरी नहीं है, नहीं देंगे, नहीं देते हैं हमको विधि व्यवस्था, हमको लॉ लॉ आप नहीं रोक सकते। आप लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की समस्या है, आप हाथ ऐड के लीजिएगा अनुमति। हम अहिंसात्मक तरीके से काम करेंगे, हिंसा तो मैं सब जानते हैं। आप लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, बुलाइए फोर्स को, नॉन वायलेंस बोल रहे हैं, फोर्स की आप बात कर रहे हैं, फोर्स को हम लोग नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। आप कहते बिहार के इतिहास में पहला बार है हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं, ये सिटी मजिस्ट्रेट और संवैधानिक काम कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट गलत काम कर रहे हैं सर। तुम उनका काम का आकलन करोगे? हमको यहाँ बैठने का राइट है, डिसेंट आवर राइट है सर। अरे तो बैठने का राइट तो नहीं ना दीजिए सर, भाई साहब सर मिलवाते नहीं है सारी जगह साथ में। धरना पे बैठने का अधिकार है, अगर हम धरना के बैठते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट हमारी वार्ता कराएंगे, लेकिन ये बात नहीं कराते। बताइए ये असंवैधानिक काम ये लोग करते हैं, हम धनंजय सर के कहने पर भी ये लोग नहीं किए। इसके बाद हमारे क्या हम फंडामेंटल राइट्स नहीं हमारा? हम धरना प्रदर्शन नहीं करें? सरकार ने असंवैधानिक काम किया है, और जब सरकार ने असंवैधानिक काम किया है तो हम अपना संविधान के प्रदर्शन का हमें अधिकार है। अरेस्टिंग से डर नहीं लगता हमें, मेरी धारे जिंदाबाद, कोई अरेस्ट का डर नहीं है, संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप असंवैधानिक काम करने वाले हैं, आप देश के लिए खतरा है, हम देश के लिए खतरा है, ये बात नहीं, ये चाहते हैं, रुके रुके रुके, ये चाहते हैं कि हम गलत रास्ते पर चले जाएं, ये चाहते हैं, बात नहीं करवाएंगे आप, ये गलत काम करवाते हैं, ये असंवैधानिक काम करवाते हैं सर। क्या सर, आपसे नहीं मार के रगड़ देंगे, हमको शांत करा करके आराम से बैठो, एक घंटे का टाइम दिया तुमको, बुलाए फोर्स बुलाए ना, गरजिए नहीं, बुलाए फोर्स हो जाता है सर, पूरा ठीक कर देते, सब हो जाता है सर। अनुमति दो तरह की, भूख हड़ताल की और बैठने की, हो नहीं होगी तुरंत हटा दें और कानूनी कार्रवाई कीजिए, आवश्यकता आवश्यकता के अनुसार जो भी अधिकारी मिलने तक नहीं मिले, एक घंटा टाइम नहीं है ना। बोला जरूरी है।